Everyone, how are you? Well guys, in this video I'm going to give my review on the movie Shubh Mangal. Jyada Savdhan. Yeah, you heard it right. Shubh Mangal Jyada Savdhan. Well, this movie was released in the year 2020, right? This movie was directed by Hitesh Kiwalya, right? In this video I am going to talk about this movie in a detailed way, but before that, welcome you all to my channel. Well, Shubh Mangal Jyada Savdhan, starring Ayushmann Khurrana, Jatin Kumar, Gujral, Neena and Manvi Gagru, right? इस मूवी का जो बजट था वो 30 करोड़ था, 20 to 30 करोड़ था, और इसकी जो बॉक्स ऑफिस पोजिशन थी दैट वॉज 86 करोड़। ऐसे तुम्हें पता ही होगा कि आयुष्मान खुराना एक कॉन्सेप्ट मूवीज़ पे कैरेक्टर एक्टर है, कैरेक्टर है कोई भी, जैसे कैरेक्टर मतलब लाइक ही हैज़ नॉट 6 pack और 8 pack लाइक एक एक्शन मूवी एक्शन हीरो होते सर, ही इज़ ए कैरेक्टर एक्टर। तो बहुत सारे तुमने इसकी मूवीज़ देखा होगा जो सोशल सोशल आस्पेक्ट को पोर्ट्रे करते हैं, लाइक शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, दम लगा के हैशा, या आर्टिकल 15, या पाला। ये सब क्या होती है, एक इंसान एक कॉन्सेप्ट है, एक स्टोरी है, गुड स्टोरी। जैसे कि बाला ही को ले लेते हैं, बाला में क्या था कि बाल नहीं है, बाल नहीं होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग रिफ्यूज़ करते हैं सिलेक्शन में भी, या कहीं सोसाइटी में लोग तुम्हें मॉक करते हैं। तो बेसिकली एक स्टोरी, एक वेल सोसाइटी में सोसाइटी बेस्ड मूवीज़ होती है, तो थोड़ा कहना ज़्यादा गलत नहीं होगा। तो इसकी मूवीज़ आर्टिकल 15 देख लो, जो हमारे जो किसी भी रिलीजन कास्ट और लोगों के साथ तुम बिसबिहेव नहीं कर सकते हो, दैट इज़ आर्टिकल। तो एक अच्छी मूवीज़ को लेके आता है, तभी इसकी मूवी सक्सेसफुल होती है, तभी इसकी मूवी बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छी करती है। ऐसे तो जैसे मैंने बताया था ड्रीम गर्ल, दैट वाज जस्ट 20 to 30 करोड़ मूवीज़ थी, और दैट डिड गुड ऑन बॉक्स ऑफिस, दैट वाज 200 करोड़। इस ह्यूज इस मूवी की भी बजट ऑलमोस्ट 30 करोड़ है, और इस मूवी की अर्निंग 86 करोड़ है। इट्स नॉट बैड। तो इस मूवी में होमोसेक्सुअलिटी पे बेस्ड ये मूवी है। 6 सितंबर 2018 से पहले होमोसेक्सुअलिटी, दैट इज़ अगर एक गे और लेस्बियन इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करते हैं, तो दैट वाज इलीगल था। लेकिन 6 सितंबर 2018 के बाद ये लीगल हो गया, एंड दिस वर्डिक्ट वाज गिवन बाय द नन अदर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है, उसके बाद तो किसी को दम नहीं है कि इस पे चैलेंज, ऑफकोर्स चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो इसका मतलब है कि दैट इज़ फाइनल। सो 6 सितंबर 2018 के बाद ये एक कोई भी क्राइम नहीं है, दिस इज़ एब्सोल्युटली फाइन। एंड इंडिया 125 नेशंस में ऐड हो गया है, जो इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिए हैं, मतलब दिस इज़ नो मोर अ क्राइम एज फार एज 125 कंट्रीज आर कंसर्न। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना अभी तक इसको अप्रूवल नहीं दिया है। पाकिस्तान में गे और लेस्बियन होते हैं, जो एक फीमेल सेक्स करते हैं, अभी भी वो इनवैलिड है, क्रिमिनलाइज है, उसको अभी भी एक ऑफेंस की तरह देखा जाता है। ऐसा भी पाकिस्तानी सा नैरो माइंडेड पीपल यार। तो इंडिया को भी बहुत टाइम लग गया है। दिस कम्स अंडर सेक्शन 377 ऑफ IPC, इंडियन पेनल कोड, राइट? या इसको ये LGBTQ कम्युनिटी को भी एक हेल्प करता है। इसके बारे में अगर तुम इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट ऑल दिस थिंग, यू कैन गो एंड सर्च आउट ऑन गूगल और वेयर एवर। आई मीन देयर सो मेनी सर्च इंजन, गूगल इज़ नॉट द ओनली सर्च इंजन वी हैव, विद वी आर सो यूज्ड टू विद गूगल दैट वी ऑलवेज कम आउट हे यू गूगल कर दो, राइट? एज फार एज दिस मूवी इज़ कंसर्न, ठीक ही लगा मुझे। इट्स नॉट एन एपिक मूवी, बट एक अच्छी तरह से डिसेंट तरीके से दिखाया गया। आयुष्मान खुराना है, जितेंद्र गे होते हैं, तो एक बार क्या होता है उसकी सिस्टर की मैरिज में जा रहे, तो जो ट्रेन में दोनों इंटीमेट होता है या दोनों किस करते हैं, आई मीन
It's very difficult for me to imagine to kiss with any guy. No, it's obnoxious, it's nasty. I can't. Anyway, तो जैसे वो गे होते हैं तो दोनों किस करने लगते हैं, ट्रेन में ही इंटीमेट होते हैं. उसके फादर उस चीज़ को देख लेते हैं, उसके फादर शॉक में, तो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग विथ मी. तो उसके फादर थ्रू आउट मूवी लाइक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसके साथ, मतलब दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ हमारी सोसाइटी इस चीज़ को अप्रूवल नहीं करेगी, दिस और दैट. यार ये कौन सोसाइटी के लोग होते हैं? वी हमसे ही हम मैं भी एक सोसाइटी का पार्ट हूँ, तुम भी एक सोसाइटी का पार्ट हो, तो हम लोग खुद ही एक सोसाइटी मिलके बनते हैं. तो कौन है ये अलग? कोई कोई अलग प्लानट से आता है, कोई अलग? ये हमारी जो साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट बहुत सालों से डाला गया है. समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग एक्चुअली नो वन इज गोइंग टू गिव अ डार्न अबाउट इट. इज जस्ट योर नेस्ट नैरो माइंडेड माइंड दैट इज गोइंग टू यू नो मेकिंग इज परप्लेक्स्ड, राइट? तो यही होता है यार. और उसके बीच में ऑफ कोर्स जैसा मूवी है तो बहुत सारे ड्रामा होते हैं. बहुत बार इसको कॉमेडी उतनी कुछ खास नहीं थी इस मूवी में. तो क्या होता है, उसकी जो मम्मी होती है वो एक नीना गुप्ता होती है, उसके जो बेटा होता है जितेंद्र होता है, और जितेंद्र का बॉयफ्रेंड होता है आयुष्मान खुराना, राइट? तो उसकी मम्मी एक बंदी होती है, वो उससे सोचते हैं कि इसी से मैं शादी करा देंगे, अच्छी लड़की है, दिस और दैट. तो लेकिन वो जो बंदी होती है वो किसी और से खुद ही प्यार करती रहती है, उसको ऐसे बेफूल बनाती रहती है. तो मूवी देखोगे तो पता चलेगा. दिस इज़ गुड मूवी, यू कैन गो एंड वॉच दिस मूवी. दिस मूवी इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सो यू डोंट नीड टू यू नो डाउनलोड इट एंड दिस और दैट. ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली गो टू यूट्यूब एंड यू कैन वॉच दिस मूवी विदाउट एनी हर्डल, राइट? सो ओवरऑल दिस मूवी इज़ अ गुड मूवी विथ गुड मैसेज, विथ गुड यू नो एक अच्छी तरह से एक ल्यूसिड वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है. एंड क्या हो जाता है कि 6 सेप्टेम्बर 2018 से पहले एक दिन ठीक पहले पुलिस आती है कि यहाँ पे मुझे पता चला कि गे गे इंटरकोर्स हो रहा है, गे सेक्स कैसा कुछ पता चला है. तो अरेस्ट करने आते हैं, लेकिन मतलब गे मैरिज को ऐसे लेके, तो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना बाकी है, कल अरेस्ट करना है तो कल कर लेना. तो एक दिन वेट कर लेते हैं, दूसरे दिन वर्डिक्ट आती है कि इट्स टोटली लीगलाइज, दिस इज़ नॉट डी दिस इज़ नॉट अ क्राइम दैट इफ एनी गे और लेसबियन इज़ डूइंग सेक्स, दिस इज़ अ डी क्रिमिनलाइज आफ्टर 6 सेप्टेम्बर 2018, राइट? सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट, टेक केयर योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक माई वीडियोज, राइट? सब्सक्राइब माई चैनल यार, सब्सक्राइब करो यार, जिससे कि मेरी वीडियो भी ग्रोथ हो यार, यू नो, जिससे कि मैं भी एक और अच्छा वीडियोज़ बना पाऊँ, और अच्छा यू तो मैं एक अच्छा व्यू दे पाऊँ, राइट? हैव अ ग्रेट डे.